At this temple dedicated to goddess Bhadrakali, devotees make a unique offering when they come here to offer prayers. Horses. Not real horses, but horses made of various materials, including clay and silver. माँ के मंदिर में जैसे युद्ध के घोड़े दान किए गए थे जीवित उसी परंपरा को निभाते हुए लोग मनोकामना करते हैं और जिसकी जैसी क्षमता है श्रद्धा अनुसार मिट्टी के चांदी के किसी भी प्रकार के सोने के लकड़ी के अनेक प्रकार के घोड़े यहाँ प्रतीकात्मक रूप से माँ की सेवा में अर्पण करते हैं. Devotees believe that the Devikoop Ma Bhadrakali temple in Kurukshetra is associated with the Mahabharata, and the practice of donating horses is believed to have been started by the Pandavas. श्री शक्ति पीठ पर अगर आपकी मनोकामना जो भी आपकी मनोकामना लेकर आप मंदिर में आए और वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पर प्रसाद के अलावा घोड़े चढ़ाने की एक परंपरा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों के साथ मिलकर अपने घोड़े यहाँ पर दान किए थे और उसी समय से एक प्रथा चली है. इस मंदिर में मन्नत पूरी होने पर किसी समय में असली घोड़े चढ़ते थे, फिर समय के अनुसार समय बदलता गया, अब अपनी सामर्थ्य के अनुसार मन्नत पूरी होने पर कोई सोने के कोई चांदी के और आम समाज के लोग अपने सामर्थ्यानुसार मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं. According to the temple authorities, goddess Bhadrakali is the family deity of the Yadav clan, and the head shaving ritual of Lord Krishna and his elder brother Balram in their childhood was also conducted at a pond built in the temple premises.